हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की मराठी पाठ 2, हत्तीचे चातुरे। तो इसमें मैं आपको जो प्रश्न उत्तर है वो भी बताने वाली हूँ, और जो वर्कबुक में दिया गया है, जो आपके मतलब जितना भी आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि गूगल फॉर्म में आपका एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू रहेगा, तो वो पूरा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए, पहले तो ये सारा आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो जो चित्र दिए गए हैं उसको लिखना है, फुटबॉल, ससा, खड्डा। ये आप, अगर आपका वर्कबुक कंप्लीट नहीं है तो पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है, देखना है और लिखना है, तो वैद्यनाथ काही मूले फुटबॉल खेड़त अस्ताना, सशानी त्याना पहले, त्यांच्या प्रमाणे ससे देखिल खेळू लागले, खेळता खेळता त्यांच्या बॉल डोको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, खड्ड्यात पडला सशाना, लाकडी फळी घेऊन बॉल काढ्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना यश आले नाही, नंतर त्यांच्या जवळ एक हत्ती आला, सशाना हत्तीला मदत करण्यास सांगितले, हत्तीने थोडा विचार केला, तनंतर तो आपल्या सोंडेत पाणी घेऊन आला, आपल्या सोंडेतील पाणी त्यांना खड्ड्यात। ठीक है, आतले खड्डा पाण्याने भरवन गेला व बॉल आपो आय व वर आला, अशा प्रकारे हातीच्या चतुर्याने सशाना बॉल परत मिळाला। ओके, तो किस तरीके से वो बॉल निकालता है, ये तो आपने पोयम ये लेसन पढ़ा ही हुआ है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुरुआतीला दिलेल्या चित्रा चित्रांखाली नाव लिहा, तो यहाँ पे मूले फुटबॉल ससे खड्डा पड़ी हत्ती ये सब लिखना है। खड्ड्यातील फुटबॉल काढ्यासाठी प्रयत्न करणारे ससे, सशाना मदद करणारा हत्ती, हाथी आया था मदद करने। ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे बीच में गद लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बगड़ा, उसके बाद वेगड़ा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लिखना है तगर मगर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए गाजर ऊपर से लेके मांजर, तो यहाँ पे मांजर गाजर ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कड़क भड़क, तो कड़क भड़क इस तरीके से लिखना है, और यहाँ पे देख लीजिए सामान कमान, तो सामान कमान यहाँ पे लिखना है, आकाश प्रकाश यहाँ पे लिखना है, फाटके फाटके तुटके, तो यहाँ पे लिखना है फटके तुटके, और यहाँ पे देखिए वाटाणा फुटाना, तो यहाँ पे वटाना फुटाना है ना, ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए जो जितना भी खाली जगह है वो भरना है, तो जैसे किसको किससे भरना है, तो यहाँ पे न दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें, न को सब जगह, जैसे यहाँ पे लहान, तो यहाँ म हाँ लिखा हुआ है, तो आपको न लिख देना, यही सब जगह पे लिखना है, न न, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे ड है तो वर्ड लास्ट में झा है, मतलब झा है तो लास्ट में ड लिखना है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे बड़ बड़ अवघड़ आम्बा, यहाँ पे बा है तो आम्बा थाम्बा बाबा इस तरीके से। ठीक है, सो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट सी जस्ट मिनट। वन मिनट, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इसका प्रश्न उत्तर, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आपको कैसे आ जाएगा इसका प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न दे देंगे इस तरीके से, और आपको दो चार ऑप्शन दे देंगे, फुटबॉल दे देंगे, बैट बॉल दे देंगे, इस तरह से अलग अलग दे देंगे, तो जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव में वैसे ही आपको बताना रहेगा। तो फुटबॉल कौन खेलता है, तो मूले मूले फुटबॉल खेलत आहे, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, मूले। ठीक है, कौन खेल रहा था, तो मूले बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। मूले कोड़ता खेल खेलता है, कौन सा खेल खेल रहे थे, तो मूले फुटबॉल। तो ऐसे ही आपको तीन चार ऑप्शन दे सकते हैं, कौन सा फुटबॉल, जैसे यहाँ पे मूले लिख दिया तो यहाँ पे हत्ती लिख देंगे, ससे लिख देंगे, तो इस तरीके से तीन चार ऑप्शन देंगे आपको, तो आपको जो राइट ऑप्शन रहेगा ना वही लिखना है। तो मूले कोड़ता खेल खेलता है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे, मूले फुटबॉल खेलता है, तो बच्चे क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। मुलांचा खेल कोण पाहल होते, तीन ससे मुलांचा खेल पाहत होते, है ना, तो यहाँ पे तीन ससा, तीन ससे दे देंगे, दो दे देंगे, एक दे देंगे, चार दे देंगे, पांच दे देंगे, तो राइट ऑप्शन क्या है, काढ़ा साठी सशांक
कशाचा उपयोग केला, तो क्या उपयोग किया था? बॉल काढ्या साठी सशानी लाकड़ी फड़ीचा उपयोग केला। तो अब यहाँ पे क्या दे देंगे आपको, तीन चार ऑप्शन दे, जैसे लाकड़ी फड़ीचा एक में दे देंगे और उसके बाद चार पावर दे देंगे कुछ भी, ठीक है, तो दो तीन और दे देंगे ऑप्शन, तो आपको जो राइट ऑप्शन है वही आपको टिक करना रहेगा। ओके, सो बॉल काढ़ा साठी सशानी लाकड़ी फड़ीचा उपयोग केला। सशाना कोणी मदद के लिए, सशाना की कौन मदद किया? तो आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे तीन दे देंगे, चार दे देंगे, लिख दे देंगे कि मतलब हत्ती ने मूले और सशाना और दो तीन और कुछ दे देंगे, मतलब चार रहेगा या तीन ना, तो उस तरीके से। तो आपको क्या करना है, हत्ती ने मदद किया था ना, हाथी ने मदद किया था खरगोशों की, तो यहाँ पे आपको लिखना है हत्ती ने सशाना मदद के लिए। कौन ते सांगा, अभी आपको इसका नाम बताना है। खड्डा तिल फुटबॉल का साठ प्रयत्न करना रे, कौन प्रयत्न किया था, कौन कोशिश किया था खड्डे में से फुटबॉल निकालने की, कौन कोशिश कर रहा था? ससे, वो कोशिश कर रहा था। शशाना मदद करना रहा कौन किया था? हत्ती। तो इसमें ऑप्शन आपको आएगा दो तीन, तीन चार, तीन या चार, तो आपको राइट ऑप्शन पे ही टिक करना है। तो अच्छे से याद कर लेना इसे, कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है बच्चों? वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए आप इसे। ओके, हाँ ओके।